चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो चैनल पुंदेली चुगली देखा तुम्हारे खबर ही मेरा की छतरपुर से जहाँ पे छतरपुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर नीरज पाठक की रहस्यमय परिस्थिति में हत्या के मामला को आज हम खुलासा कर रहे हैं। एक तारीख के उनको सब मेलो तो उनके घर के बेडरूम में बेहद संदिग्ध परिस्थिति में शरीर में मारपीट और चोट के निशान हते इसे प्रथम दृष्टया जो माना जा रहा था कि उनकी हत्या करी गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर उनकी घरवाली की हिरासत में लाओ लड़का मानसिक रूप से थोड़ी बीमार है तो उसे कौन बातचीत पूछताछ पुलिस की हो नहीं पाई। शुरुआती पूछताछ के बाद उनकी पत्नी ममता पाठक के छोड़ दो। ये ममता पाठक वे हैं जो महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और जो लंबे समय से नीरज पाठक से इनको विवाद चल रहा हो। इनके अंदर एक ऐसी बीमारी है जिन्हें संदेह को सबको कीड़ा कहा था वो इन्हें लगातार निगल के खोखलो कर रहे हो। इन्हें जो संदेह तो डॉक्टर साहब को कहूँ लफड़ा है कहूँ प्यार है इसके मोहब्बत है कहूँ इलू इलू है लेकिन जो जीवन में आज तक साबित बात के नहीं कर पाई केवल संदेह कर रही और इस संदेह ने इनके रिश्तन की दूरियां इतनी बढ़ा दी कि एक घर से जो रहे दो घर में बट गए। लेकिन कोरोना फैलो और कर्फ्यू लगो एक ही आड़ में जे इनको लड़का बाप के पास रह भी आ गो लोकनाथपुरम पे स्थित आवास पे और बाप के संगे मताई भी मतलब ममता पाठक भी चली आई और उसके बाद से डॉक्टर पाठक के ठिकाने लगावे की जो तैयारी भाई बस शायद को समझ पाए चाहे नहीं समझ पाए लेकिन हमने जो खुलासा करो उसे समझ में आओ कि जहाँ सरेआम सीधी और निर्मम हत्या है और जो डॉक्टर ममता पाठक के हाथ से करी गई है अभी डॉक्टर नहीं है लेकिन प्रोफेसर है प्राध्यापक ममता पाठक के द्वारा करी गई है ऐसे सीधे गंभीर आरोप लग रहे हैं और जो हम नहीं कह रहे ऐसे साक्ष्य सबूत है जो चीख चीख के चले आ रहे कि ममता पाठक ने अपने पति की हत्या करी और करके ये पूरे मामला को छुपावे को प्रयास करो। एक लोकल न्यूज चैनल में ममता पाठक को बयान आओ है जीवे में कह रहे कि 29 तारीख की रात के उन्होंने दरवाजा खोल के देखो तो इनकी सांसें बंद हो गई थी तो बेवर अपने कमरे में जाके सो गए थे। सवाल जो है कि एक महिला को सुहाग उजड़ जाए उसको पति कितना परेशान हो उसे मर गो वो हम तो कह दुश्मनी हो बिल्कुल दिल कट गया हो उसके बाद भी कानूनी रूप से तुम पढ़ी लिखी प्राध्यापक हो कानूनी रूप से तुम्हारा हक बरतो के पुलिस को सूचना दी जाती और जब ऐसे समय में कि तुम्हारा सीधो सीधो खिल खेल है तुम्हारे ऊपर आरोप आ सकते लेकिन तुमने पुलिस को सूचना नहीं दी। एक तारीख के दोपहरी में जब तुमने रचना रच ली सवेरे से तब बताओ पुलिस को सूचना दी गई मामला सीधो सीधो संदेह पे आते है लेके हम उन तथ्यों पे जा रहे कोरी बकवास नहीं कर रहे हम उन तथ्यों साक्ष्य सबूतों पे जा रहे जहां से पूरी जड़ निकल के आते हैं। इसके पहले हम बता दें कि डॉक्टर नीरज पाठक की मौत को जो कारण पीएम रिपोर्ट में निकल के आया है उमे आया है करंट लगवे से मौत भई है। नीरज पाठक अपने पलंग पे रहते करंट कैसे और कौन परिस्थिति में लगो ये कुल मिला के समझ में आ रहा हो कि हत्याकांड के हादसा को रूप देवे को पूरा प्रयास बेहद चालाकी समझदारी के संगे करूंगा। पुलिस अब मजबूरी अपनी जा बता रही के ममता पाठक अपने आप को बुखार बता रही और अपने आप को कोरोना बता रहे इसे पुलिस उनके पास जावे से डर रही और यही से पुलिस ने उन्हें छोड़ दो लेकिन जैसे उनको बुखार कोरोना ठीक हो जाए उन्हें पकड़ के कड़ाई से पूछताछ करिए तो पूरा हत्याकांड खुल जाए। बाकी पुलिस को क्या वो एसपी सचिन शर्मा को कि हम मामला की जांच कर रहे हैं अगर हत्या जा है कैसे अब यह सब संभावना ही तरफ अगर हत्या है तो आरोपी छोड़ ना जाए। करंट से एक डॉक्टर की मौत हो गई और उनकी पत्नी घर वालों के पतो नहीं चलो 29 तारीख की रात में उन्हें देख लो कि सांसें बंद हो गई तो एक तारीख तक इंतजार करो इन्हें पुलिस को सूचना दे इसे कहने लगो कि अब जो सब ठिकाने नहीं लगा सका था ऐसा नहीं सड़ जाए तो पकड़ जाए कुछ चीज हो जाए तब इन्हें पुलिस के ये जानकारी दी। सीधो सीधो साफ संदेह है लेकिन के बाद संदेह की बुनियाद पे आरोप नहीं लगा जब तक साक्ष्य ना हो साक्ष्य है डॉक्टर नीरज पाठक की बातचीत रिपोर्टर में शिकायत है जब भी लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे थे कि उनकी पत्नी ने उनके अलमारी के ताले तोड़ के पैसे निकाल लो चेकबुक कैशबुक सब निकाली 5 लाख रुपए नकद निकाल लें और भी सामान दस्तावेज सब निकाल लें जीवे में कह रहे कि बाथरूम में बंद कर रहे किचन में बंद कर दो खाना नहीं दे रहा हमें लगातार मारपीट करके परेशान कर रही हम इन सब रिकॉर्डिंग के भी सुनवा है और तलाशे हैं जिनसे सीधो सीधो तय होते कि डॉक्टर ममता पाठक ने अपने पति की हत्या करी है चाहे करंट लगा के करी हो चाहे मार के करी हो लेकिन हत्या करी गई और अगर कानूनी रूप से भले ही बच्चे लेकिन समाज
और समाज की अदालत से इनको फैसला आज अपन करके रहे भैया। एक आदमी, एक डॉक्टर, एक सर्जन, इतनो समझदार, ईमानदार, पढ़ो लिखो स्वभाव से गऊ आदमी और अच्छो जानकार डॉक्टर, ये इनकी घरवाली ने चाट लो। एक डॉक्टर जीवित रहा तो वही कोरोना काल में तो सोचो समाज की कितनी मदद हो पाती, कितने पेशेंट उनको इलाज हो पाते। ऐसे तो डॉक्टर लोग लगे मिल नहीं रहे, जो मैं सो अपने अपने घर बैठ गए। नीरज पाठक ईमानदारी से नौकरी करने वाला डॉक्टर है, तो ठीक है वो नीरज पाठक के उको घर को कले ऐसो निगल लेगो, ऐसो निगल लेगो कि अब उके सबूत ढूंढने में भी प्रशासन और पुलिस आनाकानी की स्थिति में दिखाई दे रहा हूं। लेकिन हमने जोड़ के सबूत लिया था, देख लियो, देख के लगे के हत्या है और मामला दर्ज करके आरोपी की जेल भेजे तो कर दियो, और ना करो तो ऊपर वाले की अदालत है, जो जो नीमे हिस्सेदार हुई सबके सजा मिले। तो सबसे पहले चल रहा है भैया डॉक्टर नीरज पाठक के घर में, और उनके कर्मचारियों से अपन बात कर रहे जिनके संगे वे रात के 24 घंटा जिन्हें एक एक चीज घर की पतो हती, और जिनने पूरे मामला की अंदर तक की पड़ताल कर ली। हालांकि कैबिन से संकोच में है, वे बच रहे, लेकिन उसके बाद हम उस वकील की भी सुनवावी बातचीत जॉन ने डॉक्टर जॉन के नीरज डॉक्टर नीरज पाठक ने दो बार फोन लगाओ, जब वो कहते हमला भाव मारपीट भाई जब वो बंद कर दो, पुलिस से जब उन्हें शिकायत की जो जो बातचीत है सब कछु बता रहे, तो देख लो एक खास रिपोर्ट में। लोकनाथपुरम को जो वो घर है छतरपुर में, जहां पे डॉक्टर नीरज पाठक की बेहद संदिग्ध परिस्थिति में हत्या कर दी गई, ये पूरे मामला में उनकी पत्नी को नाम आओ है और वो पता चलो है कि बंधक बना के उनकी घरवाली लगातार उनके संग मारपीट कर रही थी और उन्हें टॉर्चर करने में लगी थी। हम बता दें कि कोरोना के पहले डॉक्टर ममता पाठक, डॉक्टर नीरज पाठक अलग अलग मकान में रहते, कहा से इनकी बननी रही थी। डॉक्टर नीरज पाठक की पत्नी ममता पाठक इन पर संदेह करती, और संदेह के आधार पर तंत्र मंत्र चंत्र जाने का करत रहती, और जो संदेह रात तो कि उनके पति उनकी हत्या कर दें, कहूं उन्हें स्लो क्वेश्चन दे रहा, तमाम ये मामला राष्ट्रीय स्तर के मीडिया चैनल तक में भी सुर्खियां बन गए थे, क्योंकि एक महिला जब आरोप लगाते हैं तो झूठी होवे के बाद ही समाज की सहानुभूति उनके संगे आ जाए, और यही सहानुभूति को फायदा उठा के लगातार ममता पाठक अपने पति पे अनर्गल आरोप लगाते रही, आज तक एक भी आरोप के भी साबित नहीं कर पाए। खूब कई बार कोर्ट कचहरी थाना सब कछु भाव, लेकिन उनके बाद भी इनके विवाद को समाधान नहीं निकल पाओ। इनके जन्म पत्री कुंडली ब्याह में कैसी मिली थी भगवान जाने, लेकिन ब्याह के वास्ते जो कलह लगातार बढ़त गो। ममता पाठक लगातार आरोप लगाती कि इनके नर्सिंग से अवैध संबंध है, कहूं कौन एमआर से अवैध संबंध है, कहूं कौन एसडीएम की बहन से संबंध है, लेकिन हर बार वे पीछे फेल हो जाती, उनके आरोप गलत हो जाते, कैसे एक भी साक्ष्य सबूत वे प्रस्तुत नहीं कर पाती। नीरज पाठक कई बार रेस्टोरेंट में अकेले खाना खात भी देखे गए और बेचारे गुमसुम बने रहते, इनके व्यवहार के लेके कोई की शिकायत नहीं रहती, और कोई ने आज तक इन्हें गलत गतिविधियों में लिप्त भी नहीं देखो, लेकिन उनके बाद ही इनकी पत्नी लगातार इनके ऊपर आरोप लगाती। पत्नी ममता पाठक की अब अपने परिवार के संगे अलग रहती थी, लेकिन जब छोटे लड़का की शादी हुई उनके सफा जो दो जने एक संगे मिले देखे गए, और जब ये अलग अलग हुए रात थे तो कोरोना के चक्कर में इनको लड़का डॉक्टर नीरज पाठक का लड़का पिता के पास पहुंच गया कि हम उनके पास रहने, और यही बहाने से ममता पाठक भी घर में दाखिल हो गई। जबकि नीरज पाठक अलग रहो चाहते तो इनके संगे रहो भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्हें जो लगो कि हो सकत कि अब इनमें कौन सदबुद्धि आ गई हो, बढ़ापे में शायद इनको मानस सुधर गया हो, तो जैसे आदमी अंदर से अच्छो तो दूसरे की भी अच्छो मानस लगत, वैसे इनने मानो ममता पाठक ने इस चीज को फायदा उठाओ। या तो कोई योजना के तहत यही घर में दाखिल भई थी, या इनको कोई बड़ा उद्देश्य तो जो अब आज समझ में ही से आ रहा हूँ, कल से अब जब इनकी हत्या हो गई तो जो समझ में आ रहा हूँ कि इनमें बड़ी चाल थी घर में घुसवे के पीछे। उनने जो डॉक्टर साहब ने बताया तो कि उनकी पत्नी ने अलमारी तोड़ के 5 लाख रुपए नकद चाबी सब सामान बैंक के कागज दस्तावेज सब कुछ ले रहे हैं, और घर के उन्हें बाथरूम में बंद कर दो, कहूँ उन्हें किचन में बंद कर दो, खा भी नहीं दिया जा रहा, उनके संगे मारपीट करी जा रही, ये तमाम तरह की सब बातचीत करी थी उनने। उनने कही थी कि एक छत के नीचे रहने के बाद 36 घंटा, मतलब जो सवाल है जो उनकी मौत के पीछे है कि एक छत के नीचे रहने के बाद भी पुलिस के घटना के 36 घंटा बाद सूचना कह दी गई, जबकि घर में पत्नी और बेटा हतो। अगर कोरोना से या कोई चीज से डॉक्टर साहब बीमार रहते तो उन्हें दिखाओ कहीं नहीं, को मेडिकल टीम के सूचना कहीं नहीं दी गई, जो दूसरा सवाल पैदा होते। कई साल से जो काम कर रहे थे उनके घर के नौकर 15 दिन के अंदर कहीं नहीं उन्हें आन दो घर में, कीने नहीं आन दो,
शायद ममता पाठक नहीं आंदा हो तूने का सुन की कोनो बड़ी योजना पे काम चल रहा हो तू। ये तमाम सवाल है जो पुलिस के संदेह की सुई ममता पाठक पे ले जाते हैं। लेकिन इनके पहले हम जो बता दें कि अब हम उन लोगों की बातचीत सुनवा रहे जॉन डॉक्टर नीरज पाठक के संगे काम करते रहे ऊ कॉलोनी को गनमैन से भी हम घाट से ही बात कर रहा है जॉन पुत्र पे डॉक्टर साहब के स्वभाव से परिचित हो। इनके बाद उस ऊ वकील की भी हम बातचीत सुना है जॉन वकील से आखिरी समय में उनने मदद मांगी थी वकील की। आज अफसोस है कि हम चाय के भी वकील डॉक्टर साहब की मदद नहीं कर पाए और जीवन भर हमें को अफसोस रहे। पुलिस से भी मिन्नत जो वकील करत रहो कि इनकी मदद कर दो शिकायतें कहते लिखते के सब कराते रहो। तो जो सब चीजें भी वकील साहब बताए उसके बाद आखिरी बार डॉक्टर की और वकील के बीच जो बातचीत भाई उसे पूरा सबूत समझ में आ जाओ यही काफी है पुलिस के लाने उनकी पत्नी पे हत्या को मामला दर्ज करवे के लाने ये पूरे सबूत काफी है। तो सुन लो सिलसिलेवार सब कछु। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह चौहान है। क्या कर रहा था अपन? अभी मैं आयुष डॉक्टर हूँ कोविड-19 में। इससे पहले अभी आप कहाँ से जुड़े थे? इससे पहले मैं डॉक्टर नीरज पाठक यहाँ काम करता था। क्या काम करते थे? पहले मैंने BHMS कंप्लीट की। BHMS कंप्लीट करने के बाद मुझे प्रैक्टिस करने के लिए किसी डॉक्टर की अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत थी तो मैंने पता किया तो सभी लोगों ने सलाह दिया डॉक्टर नीरज पाठक जैसा आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप सीखने के पर्पस से काम करते हैं। तो फिर मैंने डॉक्टर नीरज पाठक के साथ 2012 से लेकर 2018 तक काम किया है। एक साल उनके साथ हॉस्पिटल में काम किया और बाकी फिर इन्होंने मेरी काम की काबिलियत देखी और अपने घर पे उन्होंने मुझसे परमिशन दिया कि आप यहाँ पे हमारे साथ काम कर सकते हैं। आप रोज़ आ जाता थे? बिल्कुल, मैं पर डे आता था। यहाँ तक कि वो कहते थे आप तो अगर ज़रूरत पड़े अकेले रहते हो तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप छुट्टी भी ले लिया करो। लेकिन मैं छुट्टी नहीं लेता था क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं अच्छे से सीख गया तो मैं आज जहाँ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। इतने आप आज जात हते आपका लगा था डॉक्टर साहब की कोई से दुश्मनी कौन रंजस कछु का भाव उनके साथ? कभी नहीं भैया, ये सरासर झूठी बात है, बेबुनियाद बात है। इसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। डॉक्टर साहब के ऊपर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और जहाँ से मतलब पहले का तो नहीं पता लेकिन जब से मैं डॉक्टर साहब से जुड़ा हूँ मुझे तो ऐसा कभी कभी भी नहीं लगा इसके साथ। उनके संग जो घटना हो गई क्या लगा था आपका, क्या आशंका है? इसमें सरासर किसी न किसी की रंजिश है या फिर कोई हर अच्छे आदमी के साथ कोई ना कोई बुरा आदमी जरूर रहता है। इनकी अच्छाई किसी से देखी नहीं गई तो उन्होंने अपना अपनी रंजिश निकालने के लिए ये इस काम को अंजाम दिया। अब आपका चाहत? मैं तो यही चाहता हूँ कि सर के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे गुरु समान थे। कई बार मेरी ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं कुछ काम कर नहीं रहा लेकिन उन्होंने कहा बेटे तुम मैं तुम्हारे बाप समान हूँ तुम्हें जो भी दिक्कत हो एनी टाइम एनी वेयर तुम मुझे फ़ोन लगा सकते हो पूछ सकते हो। मैं तो यही चाहूँगा कि प्रशासन से और जो भी इस केस से जुड़े हुए इंसान हैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सर को न्याय दें और सर के साथ जो भी गलत हुआ है उनको सरासर सलाखों के पीछे करें। का नाम भाई आप लोग? मेरा नाम प्रदीप पौराणिक है। क्या करते अपन डॉक्टर साहब के थे? मैं डॉक्टर महेंद्र चौहान के पहले जो असिस्टेंट रह चुके हैं इनके मैं बाद असिस्टेंट बन के आया था तो करीब एक साल करीब रहा सर के साथ असिस्टेंट एज असिस्टेंट वर्क रहा मेरा। घर पे ही? हाँ घर पे ही हॉस्पिटल था उनका तो वहाँ पे मैं एज असिस्टेंट के तौर पे रहा। कैसे थे डॉक्टर साहब? बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही सहज आदमी थे, सुलझे हुए आदमी थे और ना तो उनका किसी से मतलब बाहरी लोगों से तो दुश्मनी नहीं था, बाहरी लोगों से किसी से दुश्मनी नहीं था उनका। अब बाकी भगवान जाने कि क्या ऐसा हो गया कि अचानक ऐसी जो मतलब बातें सुनने में आई हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि जो मेरे गुरु समान थे आज एजा मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो आज जिस मुकाम पे हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ और रहूँगा। लेकिन जो मैंने देखा कि आज सर के साथ मतलब जो घटना घटी है बहुत ही दुखनीय है। व कोई भी मतलब ऐसी कि मतलब प्रशासन ने भी मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, जाँच कहाँ तक बढ़ी है और आगे हो सकता है न्याय मिलेगा भी हमारे सर को कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग आज खड़े हुए हैं सर के इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई है कि हो सकता है सर को न्याय मिल सके क्योंकि अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा अभी सामने नहीं आए हैं मतलब सबूत कि क्या क्या है क्या नहीं है। इसलिए सर को न्याय मिले हमारी एक ही है अपील, शासन से पुलिस प्रशासन से हमारी एक ही अपील है कि आप लोग निष्पक्ष तरीके से जाँच करें और सर को न्याय दिलाएँ।
अगर मेरा एक कहना और है पुलिस प्रशासन से, मेरा विशेषकर निवेदन है कि सर का जो अभी ये कुछ मतलब चल रहा था, जो पारिवारिक भी लोगों को पता है तो चल रहा था, मैंने मान लिया हाँ कुछ हो सकता है, घर घर में रहता है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन चाहती, अभी जो वीडियो वायरल हुआ है इससे पहले पैनी नज़र पे आया है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार कोई पीएल वाजपेयी जी उनको बताया कि मैं परेशान चल रहा हूँ, तो एक्चुअली पुलिस फिर बाद में आई फिर, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ये घटना नहीं घट पाती, और हमारा जो मतलब डॉक्टर जिला का सबसे बड़ा डॉक्टर हमें आज नहीं खोना पड़ता, जो आज की स्थिति देखी जा रही है। मेरा यही कहना है कि सर को न्याय मिले निष्पक्ष तरीके से। मैं किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहता, ना मैं किसी पे मूल रूप से आरोप लगा रहा हूँ, मेरी तो मांग एक है कि सर को न्याय चाहिए, और सर को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, ये मेरा कहना है प्रदीप पौराणिक का। क्या नाम भाई है तुम्हारा? मनोज कुमार चौधरी। मनोज चौधरी, डॉक्टर साहब का जाना था? यहाँ कैसा जाना था? अभी तो हम कम से कम 8 साल से कर रहे थे काम, अभी तो रोज नकराते रोज नमस्कार होती। कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब तो बहुत सी सीधे सिद्धांत थे, उनको कौन भी मरीज पहुँच जाते तो यह सुनाते कि आराम से देख सकते और ऐसे बिल्कुल संतोष करते। कौन झगड़ा विवाद है तू उनका? कोई झगड़ा कर अपनों? अनिल द्विवेदी एडवोकेट। कैसे जाना था आप नीरज पाठक का? नीरज पाठक से हमारे बहुत पहले से संबंध है और हमेशा उनका आना जाना रहता था, अच्छे संबंध है हमारे उनसे। का घटना हुई थी आपका कुछ जानकारी? 27 तारीख की रात को 8:07 पर मेरे पास फोन आया था कि अनिल भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे 3 घंटे तक बाथरूम में बंद करके मेरी अलमारी तोड़कर उससे पैसे, चेकबुक, गाड़ी की चाबी, FDR सारे दस्तावेज निकाल लिए हैं और 3 घंटे तक मुझे बंद रखा है। उसके बाद बाहर मोहल्ला वालों ने 100 नंबर को फ़ोन लगाया, तब उनने मुझे निकाला और मेरे सर में भी मारपिटाई उनने की है। और उसके बाद फिर 28 तारीख को रात को 8 बजे फ़ोन आया, बोले भैया मैं बहुत परेशान हूँ, इनने मुझे कैद कर दिया है, किचन में ताला डाले हैं, वहीं पानी है, ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है, मारपीट अलग कर रहे हैं। और मैंने जब उनसे कहा कि आपने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की, तो बोले मैंने शिकायत की है, तो मैंने कहा आप शिकायत की कॉपी मुझे भेजी, उनने दोनों कॉपी मुझे भेजी, बोले पुलिस मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और 29 तारीख को ऐसा बताना है कि वो ख़त्म हो गए, तो पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की है, और इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी लिखित उनके हाथ का लिखित आवेदन जिसमें उनने यह सारी पूरी घटना बताई और वॉइस रिकॉर्डिंग जिनमें उन्होंने अपने रिश्तेदार को स्पष्ट एक एक चीज़ बताई कि मुझे कैद कर लिया है, मेरे साथ लूट की गई है, खाना पीना नहीं दे रहे, मार रहे हैं, उन साक्ष्यों के होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं किया है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। तो आप क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे और सीधे साधे थे, अपनी पत्नी से वो हमेशा प्रताड़ित रहते थे, ये पूरा प्रशासन जानता था, मैं ये चाहता हूँ कि उनकी मृत्यु निरर्थक न जाए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इतने सारे सबूत होने के बाद आज तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, FIR नहीं काटी और किसी भी साक्षी के अभी तक कथन नहीं लिए। हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताए। अरे थोड़ा क्या बताएं, ये ममता ने तो बहुत परेशान कर रखा है। क्यों, क्या हो गया? अरे सब कुछ पूछो ना आप। हाँ? एक दिन ने जो है अभी परसों ना की दिन जो है हाँ? बाथरूम गए थे तो बंद कर दिया बाथरूम में। हाँ? और फिर जो है वो हमारी अलमारी के सारे कागजात वगैरह FDR सारा कैश सब निकाल के और तोड़ के अलमारी और रख ली अपने पास। हाँ? एक धक्का दे दिया था एक दिन तो चोट लग गई सर में। अरे तो हम रिपोर्ट तो कर आए थे वहाँ पे थाने में, अब दे आए हैं, लेकिन उसमें कुछ सुनवाई हुई नहीं है मतलब। और दूसरा क्या है, दूसरा इनने जो है मोबाइल सब अपने पास रख लिया था। हाँ? फिर बाहर भी नहीं जाने दे रही थी, ताला बंद कर दिया। हाँ? तो जो है फिर फोन किया, 100 नंबर तो आई तो उसने खुलवाया जो है। हाँ? और फिर फोन कहने पे जो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फोन वापस किया।
अब वो जो है 3 दिन अभी तो जैसे अब वहाँ पे SP से मिलना था तो हम 1-2 दिन गए, अभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। आज हमने कहा जाना है तो बोली कि वो चाबी नहीं है, बोले जो है वो फिर बुलाओ पुलिस को तुम। तो अब थोड़ा सा वो है अपना पॉलिटिकल कुछ मनीष मनीष कह रहे आशीष। हैं आशीष का है ना, थोड़ा अब हाँ थोड़ा फोन ऑन करें भाई। तो एक तरह से बंधक बनाया हुआ है, अब वो हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है हाँ उसमें कहेंगे कि अब नहीं जाना तुमको, ऊपर रहो तुम। ऊपर वाले में है जो है तो वहां पे किचन है बंद कर रखा है, किचन हाँ पहले से बंद कर रखा, ताला बंद कर रखा है, वो उसकी चाबी भी नहीं है। पानी आनी भी हम उन्हीं के डिपेंडेंट हैं हाँ और खाना भी उन्हीं के डिपेंडेंट हैं। अब खाने अब जब इतनी ज्यादा वो है तो भाई आप नीचे रहो तो ठीक है, ऊपर आप कम से कम आने जाने का वैसा भाई रोक टोक ना करो। हाँ सही बात है। नहीं आप बस सबसे बड़ी ये भूल हो गई है कि उनको साथ में नहीं रखना था आपको। अरे यार ये क्या बताएं, बड़ी भारी गलती हो गई है। बेटा आया पीछे से, बेटा आया कि हम रहेंगे आपके पास तो हमने बुला लिया, फिर पीछे से ये भी आ गई तो हमने कहा सुधर गई होंगी, लेकिन ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही उल्टी निकली। अब बताओ क्या किया जाए। अब आज फिर हमने कह दिया, फिर अभी हमने SP के स्टेनो को फोन लगाया था तो हाँ कह रहा था कि यार साहब आ जाते हैं तो बात करवाते हैं, नहीं तो फिर आप 100 नंबर डायल करो फिर से। तो हाँ अभी ये कार्य से अब ये रोज रोज बंधक बनाना और ये सही है। हाँ सारा ये इस तरह से चोरी डाकई हो गया एक तरह से। तो और क्या। पुलिस ने कोई केस ही नहीं दर्ज कर रही है ना, हमारे भाई कम से कम पूछताछ करके डॉक्यूमेंट्स तो लौटाए, ITV वगैरह है, जैसे पैन कार्ड है, सब पासबुक है बैंक की, ये सब सारा अपने कब्जे में कर रखा है। को हम बता भेज रहे आशीष को, पूछ बात कर अरे दे आशीष से, कहा कह दे रहे तो भी कौन को भेजा दे हैं। नहीं अब वो तो किसी के मतलब अपने लोगों के कहने से तो कुछ करना नहीं है हाँ अपने वो। लोगों ने वो तो पुलिस हस्तक्षेप करेगी तभी हो पाएगा। ठीक है भेज रहे हैं बस हैं। अब आप जैसे भेजो है घर से नहीं निकलेंगे तो आप क्या चाहते। अब घर से बाहर आप ताला लगा दिया नीचे सीढ़ी के हाँ वहां पे, अब चाबी नहीं दी तो कैसे बाहर निकले। तो वही बात तो सही है। हाँ ये बंधक हो गया ना, बंधक बना लिया एक तरह से। चलो फिर ठीक है भैया, आप थोड़ा हाँ टेंशन ना लो, हम जो है व्यवस्था कराते हैं। ठीक है नहीं 100 में लगाएं, 100 में कि अभी रहने दें। 100 में तो लगा ही लो आप, 100 में तो लगा ही लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया है हम और ठीक है। हेलो तो ठीक है, हम बात करते हैं कभी आगे। हेलो हाँ भैया पहुंचा कोई उसे है? पहुंची पुलिस पहुंची। हाँ पहुंच गई थी, कंट्रोल रूम वाले आ गए थे, TI सिविल लाइन आ गए। हाँ तो ठीक है, कहा था ना असली बात इसलिए। अब तो कहा वही है अब उनसे आशीष से लगवाओ फॉर्म में प्रेशर, थोड़ी फिर केस तो रजिस्टर हो जाए। अच्छा। ठीक है ठीक है, करते हैं सब कह रहे हैं हमारे। ठीक है। फिर आपकी रेवे खावे की व्यवस्था क्या है भैया। अब रेवे खावे की अब वो अभी यही ऊपर वाले कमरे में है, और खाना वो जब मर्जी आए सो दे दे, बना दिया उनने। अब वो भी शंका समाधान है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, मतलब पीने की पानी की
है वो आलू लगा हुआ है, ताला बंद है, वो जो है उसको देखते हैं, तोड़वाते हैं, क्या करें। तोड़वा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मकान तो तुम्हारे नाम है ना? हाँ, मकान तो अपने नाम पे है। अब वो अभी इस समय तो कुछ हो नहीं सकता है, नहीं तो तलाक का लगा दें आवेदन, और जो है मकान खाली करने का वो कर दें नोटिस। नहीं कछु जैसे दिक्कत हुए खावे पीवे की तो बताओ, फिर व्यवस्था करी जाए। आओ फिर, अगर कुछ हो तो बताएं फिर। बताइयो आप, जो संकोच न हाँ करियो। नहीं तो स्कूटी से जो है, आप स्कूटी से बाहर चाय तो स्कूटी से खाना खा सकते हैं, चाय जैसे खा जा सकते हैं। इसे आ हैं, जाओ स्कूटी से खाना, इसे खा जाओ, चाहे घर खा जाओ, चाय जैसे खा जाओ, कुछ दिक्कत नहीं। ये पैक भिजवा दें, जैसे जैसे आप कहे हो जैसा हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं देखें, आ जाएं। अगर अपन हाँ ज्यादा दिक्कत जाए गई तो फिर आउट हैं, आए फिर वहीं आ जाएं। हाँ दिक्कत जाए तो बताइए। देख बताइए। लो भाई, अब जे हमें सब कुछ तथ्य रख दें, और जे ऐसे है कि हम अकेले करो, हमें बड़ा खुलासा नहीं कर दो, जे ऐसे तथ्य है कि कानून के पते, पुलिस के पते, शासन प्रशासन बच्चा बच्चा के पते है भैया, और हर आदमी के पते है, ऐसा कोनो कारण नहीं है कि जी से जो मानो जाए कि इनकी पत्नी हत्या नहीं करो। सब कारण सामने सीधे सीधे कि ममता पाठक ने अपनी पति की निर्मम हत्या करी हो, करंट लगा के करी। कैसे प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी महिला है, बदमाश तो देखो हुई है, और जब बदमाश हुई है तो वह करंट लगा के हत्या भी कर सका। कैसे डॉक्टर नीरज पाठक जॉन जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे, रो रो के गिड़गड़ा रहे, अपनी जीवन की भीख मांग रहे, मिन्नत कर रहे, पुलिस के पास जा रहे, वो आदमी की मनोदशा समझो सकत। और एक क्रूर महिला जो की पत्नी है, जिन्हें सात फेरल है, जी को सुहागू की मांग में सजो तो कबो, ऐसी महिला ने ऐसी क्रूरतम बेरहमी से एक पति की हत्या कर दी। और यही से हम कह रहे हैं जो कलयुग है, जे कलयुग है कि जब एक महिला अपने आप के विधवा बनावे के लिए अपने पति की हत्या कर दे, यही कलयुग है। और अगर जो कलयुग है, और इसमें जो कोरोना है, और इसमें आदमी अगर ऐसे मर रहा हो तो सही मर रहे हो, और मरे काहे से, जो कलयुग है। और जब कलयुग ऐसे है तो भगवान यही कहा, कलयुग बेटो मार कुंडली, जाओ तुम्हें कहते जाओ, और घर घर में है राक्षसनी, इतनी सीता कहते से ले आओ। राम राम भैया। निर्माण निर्माण निर्माण, दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली TMT है, वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ही भैया जयी है। सबके देत माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। अपने सपनन को आसियाना बनावे के लाने एक बार जरूर आओ और निर्माण की सेवा को लाभ उठाओ। दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली TMT है, वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ही भैया जयी है। सबके देत माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। भरोसे और विश्वास को नाम है निर्माण, ईमानदारी को नाम है निर्माण, सही सेवा को नाम है निर्माण। निर्माण की सेवा के लाने चाहे जहां आ जाओ, चाहे हमारे जबलपुर नाका जबलपुर रोड वाली दुकान पे आ जाओ, और चाहे इतने पे आ जाओ भैया गायत्री गेट के बगल वाली दुकान पे, हर जगह निर्माण 24 घंटा सेवा में तत्पर है। और निर्माण की तरफ से जा भी अपील है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो, घर पे रहो, और जैसे ही लॉकडाउन खोले तो निर्माण फिर सबकी सेवा में लगो रहे। निर्माण